बोलिए, क्या नाम है आपका? सर सर प्रियांशु कुमार नाम हाँ बोलिए प्रियांशु। अच्छा, सर। एक्चुअली हम तो बहुत एक्चुअली मेरा कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू बुक नहीं है, मेरा बस ये क्वेश्चन है सर कि हम जो ये क्लास लिए थे वो जनवरी के पास लिए थे, पहले जब हम फर्स्ट बार दिए थे नवंबर में एग्ज़ाम, और तभी क्या हुआ कि मेरा हुआ नहीं, मतलब फिर से हमको फाउंडेशन देना पड़ा, और उसके बाद फिर अभी जो है इस बार हम जुलाई में एग्ज़ाम दिए थे तब हम निकाले फाउंडेशन। फाउंडेशन का तो मतलब मेरा 6 महीना पहले ही जा चुका है, तो वही हम पूछ रहे थे अब सर जो अब हम कोप अप कर पाएंगे ये पूछ रहे थे। आप इंटर का क्लास लिए हैं? हाँ सर आप ही का लिए थे कब कब लिए थे? जनवरी में। जनवरी में ही ले लिए थे। कोपअप क्यों नहीं कर पाएंगे, ऐसा सवाल क्यों और आपके मन में? सर वो इसीलिए क्योंकि बहुत सारा क्लास छूट गया और ये सब तो पुराना क्लास है ना। क्लास तो पूरा अपडेटेड है, आपका तो चेंज कुछ नहीं है। जो एक्स्ट्रा चेंज है वो सारा हम लोग आपको डिवेजड़ी बूटी बुक का सॉल्यूशन बोल के करा दिए हैं, यूट्यूब में भी रखा हुआ है। बस आपको, अगर आपने क्लास नहीं किया ख़त्म, तो पहले क्लास ख़त्म करना पड़ेगा, जी सर क्लास ठीक है? उसके बाद तो यूट्यूब में जो डिवेजड़ी बूटी बुक का क्लास है वो सारा करना है। जी सर तो क्लास तो हम सोचे कि दिसंबर तक खत्म करना। हाँ उसके बाद करिए। हाँ सर वही हम सोचे। आपका जुलाई से, अब सोचिए, अब जनवरी से मत सोचिए, आप सोचिए कि जुलाई के ही आप स्टूडेंट हैं। रिजल्ट आ जी गया, सर अब उसके बाद मेहनत करेंगे तो खत्म हो जाएगा। टारगेट रखो आपकी फ़रवरी तक सारा सब्जेक्ट खत्म हो जाए। आप दोनों ग्रुप देंगे या एक जी ग्रुप सर देंगे? सर अभी तो एक ही ग्रुप हम सोचे हैं देंगे, एक एक ग्रुप करके। हाँ तब ठीक है, तो एक ही ग्रुप दीजिए और कोशिश करिए फरवरी तक सब खत्म हो जाए हर जी सर सब्जेक्ट का। और कॉस्टिंग में एक बार जी सर क्लास खत्म करके, या फिर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो जो चैप्टर हो गया उसका भी, वो सीए इंटर कॉस्ट डीजेपी का जो जो क्लासेस है यूट्यूब में, उसको करिए। उसको करने से पूरा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो भी आपका मन का शंका है सब दूर हो जाएगा। जी सर ठीक है सर, बस आपसे बात करना था, एक बार बात करने से कॉन्फिडेंस आता है ना थोड़ा। चलिए बढ़िया है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो। ओके जी सर चलो बाय। ठीक है सर थैंक यू।